प्लाई है जो कि काट करके अच्छे से भैया सेट कर दिए हैं, और अभी जो कि बहुत अच्छे से सेट, अब गद्दा बिछा कर दोस्तों देखते हैं कि कैसा लग रहा है गद्दा बिछाने। दोस्तों राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों अभी आप लोग देख रहे हैं, हम लोग दोस्तों आए हुए हैं, ये आप लोग को इधर देखिए पलंग दिख रहा है, इधर गोदरेज दिख रहा है और इधर अलमीरा दिख रहा है। तो हम लोग दोस्तों अभी आए हुए हैं पलंग लेने के लिए। क्यों लेने के लिए आए हुए, क्योंकि हमें ज़रूरत है दोस्तों पलंग का, क्योंकि हम लोग रूम जो रूम लिए हुए हैं ना उसमें हम लोग ऐसे ही सोते हैं। हाँ, तो जमीन पर ही सोते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा भी लगते हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं विराट चीकू के, ये लोग ऐसे ही रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, तबीयत भी खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग आज पलंग जो कि खरीदने के लिए आए हुए हैं, पलंग आप लोग को दिखाता हूँ कैसा है, हम लोगों ने खरीद लिया है। और इधर आप लोग देखिए इधर, और यहीं से दोस्तों ऑफिशियल टेबल जो कि ले करके गए थे, ये देखिए ये है दोस्तों पलंग, और इसकी प्राइस क्या पर है। और बहुत सारे लोग दोस्तों सोच रहे होंगे कि इतना दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। किसी काम में दोस्तों मैं बिजी था, मैं कुछ दिन पहले झारखंड गया हुआ था, जैसे कि आप लोग में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे क्रिएटर से मिले हैं, और भी कुछ रीज़न थे, वो सारा कुछ दोस्तों इस वीडियो में पता चल जाएगा आप लोग को। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो पहले मेरी यूट्यूब फैमिली आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये पलंग कैसा लग रहा है, क्योंकि भाई ये मेरा है यानी कि आपका भी है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चिकू के पापा जी पहले ही आए थे देखने के लिए पलंग, और हमें ना बाद में लेकर आए देखने के लिए। हाँ, तो हम पहले हम डील डन कर दिए थे। हाँ, तो हम देखे तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और यहाँ पे मोर है तो मोर ना बहुत ज़्यादा पसंद आए हमें। पहले सेट कर दे रहे हैं। हाँ, पहले सेट करके हमें दिखा देंगे कि किस तरह से सेट किए जाते हैं, उसके बाद हम लोग चिकू विराट ना, चिकू विराट तो और भी ज़्यादा दोनों खुश हो जाएंगे देखेंगे। था और थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा है ना, अब सही रहेगा, आराम से हम लोग चार आदमी सो सकते हैं फैला के ना। और गर्मी के दिन भी आ रहे हैं तो हवा लगना चाहिए, जब ऊपर पंखा लगाएंगे तो ना। मेरी फैमिली देखिए यहाँ पर पलंग को इंस्टॉल किया जा रहा है, सेट किया जा रहा है। ये देखिए पलाई काट करके भैया से सेट कर रहे हैं इस तरह से। हाँ, आवाज कर रहा। और इसके बाद दोस्तों पलाई को यहाँ बिछाने के बाद फिर जो कि बिछाएंगे तब पूरा प्रॉपर आप लोगों को दिखेगा कि किस तरह का पलंग है ना। ऐसे देखने में दोस्तों हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है ना। हाँ। चलिए दो चार मिनट का और काम है। हाँ। तो उसके बाद दिखाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए भैया जी जो कि प्लाई बोर्ड को ना काट रहे हैं, नाप करके इसी का सेम साइज बना रहे हैं। सो दोस्तों अभी लाइट गए हैं कट वारी से, भैया जी काट रहे हैं प्लाई को। लाइन आने दीजिएगा, आने दीजिए, लाइट आते हैं तो उसके बाद काटिएगा, आराम से कट जाएगा। हाँ। भैया जो कि लाइट कट गए हैं, तब तक काम रोक दिया गया है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि गद्दा कौन सा वाला खरीदे हैं हम लोग। तो ये देखिए यही है गद्दा, इसमें से कोई भी निकाल लीजिए गुड़िया जी, ये आपका गद्दा है। हाँ, और इसका जो खोल है ना वो लेना पड़ेगा अलग से, मतलब खोल ही लेने से होगा क्या गुड़िया जी, कि गंदा उंदा करेगा ना विराट ये लोग, तो फिर खोली को फिंच दीजिए और क्या, नहीं तो यही कर देगा गंदा, तो बेकार हो जाएगा है ना दोस्तों। ये देखिए वो तो निकलेगा तब ना दिखाएंगे आप लोग को, बहुत ज़्यादा मोटा है, इसका साइज का नहीं है, अलग साइज का है। हमको तो यही वाला बेस्ट लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा मोटा भी सही नहीं रहेगा ना, इसी चलते यही वाला सही है दोस्तों। ज़्यादा गुलगुल पे सोने का भी आदत नहीं लगाना है, पूरा गुलगुल है। तो चलिए पूरा फिट हो जाते हैं दोस्तों, उसके बाद यहीं पे आप लोग को दिखाता हूँ, फिर उसके बाद सारे पलंग को खोला जाएगा, फिर उसके बाद लोड करेंगे हम लोग, लोड करके फिर ले जाएंगे जहाँ पे रूम है वहाँ पे, फिर वहाँ पे हम लोग सेट करेंगे। हमें दोस्तों अपने टेक चैनल के लिए भी कुर्सी भी लेना है, देखते हैं कोई पसंद आता है तो कभी लेंगे, अभी लेने का प्लान नहीं है, बट आगे चल करके ज़रूर लेंगे ना। ये सब दोस्तों पलंग बहुत ज़्यादा हैवी है, पैसा भी दोस्तों बहुत ज़्यादा लगेगा ना, ये सब लीजिएगा। ये सब है जो कि अपना घर बनाएंगे ना दोस्तों, ये सब अपना, ये दोस्तों लेंगे अपना घर जब बनाएंगे उसमें अच्छे से लगाएंगे। हाँ, रूम रेंट वाला में ऐसा ही चलेगा,
फिर ये सब लेंगे जब अपना घर बना लेंगे तब। ले जाने में सब अच्छा है ना, स्टील वाला, स्टील वाला, लकड़ी वाला बहुत ज्यादा। ये सब है कि जहाँ पे लगा करके फिक्स छोड़ दीजिए, फिक्स करके वहीं पे ठीक रहता। तो चलिए लाइट टूटाते हैं दोस्तों, कटवाते हैं प्लाई को। प्लाई कटवाने के बाद प्लाई को बिछाया जाएगा बराबर से, फिर उसके बाद गद्दा बिछा करके दिखाया जाएगा। आप लोग दोस्तों ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। A few minutes later. तो प्लाई है जो कि काट करके अच्छे से भैया सेट कर दिए हैं, और अभी है जो कि बहुत अच्छे से सेट। अब गद्दा बिछा कर दोस्तों देखते हैं कि कैसा लग रहा है गद्दा बिछाने के बाद। ये देखिए मस्त हो गया गद्दा लगने का ना, ये देखिए पलंग है ना, और अच्छा है गद्दा। अरे हिल डोल हो रहा है जी, वो अथी लग जाएगा तो अथी दीवारवा में चिपका देंगे तो सही रहेगा ना। चलिए कूदता खूब इसी पे है ना, ठीक है ठीक है दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है, और अभी इसे फिर जैसे था वैसे करना पड़ेगा, और उसके बाद ठेला पर लाद करके ले जाएंगे। बाबा जी आए हुए हैं यही ले जाएंगे। और सेट वहां पे कैसे करेंगे? सेट जैसे बताए हैं उसी करेंगे ना, जैसे नट वाल्टू से कसना है उसी तरह से कस देंगे। और क्या रिंचवा दीजिएगा कि रिंच लेना पड़ेगा जी? रिंच हम कहाँ से लेंगे जी? क्या क्या कितना है ये? 300 वाला ले लीजिएगा, मैं 13-14 रिंच है ना, 15 दे दो कोची का भी कि 300 वाला वोल्ट का दीजिए ना नट का। चलिए ठीक है, पहले का कीजिएगा ना कि पूरा प्लाई बिछा लीजिएगा, प्लाई बिछा कर करके तब जाके ढीले में पहले प्लाई बिछा लीजिएगा। पहले अभी का करेंगे कसेंगे तो हटा ली। चलिए अभी दोस्तों निकाल दे रहे हैं, लगाए हुए ठेला, ले जाइए ले जाइए ले जाइए ले जाइए पलाइए। चलिए दोस्तों अभी ठेला पर लाते हैं सारे सामान को, और उसके बाद ले चलते हैं अपने रूम पर, वहाँ पे फिट करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये रहा ठेला, इसी पर लाद करके ले जाएंगे, पूरा सामान लदवाते हैं, उसके बाद दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी सामान है जो कि अच्छे से ठेला पर लाद दिए हैं बाबा, अभी ले करके चलेंगे। चलिए ठीक है ना। A few minutes later. तो पहुंच चुके हैं अपने रूम के पास, सारा सामान को लेकर के, गद्दा और पलंग को लेकर के लेकर चले आए हैं, और हम लोग ना बहुत ज्यादा दोस्तों आज खुश हैं। तो चलिए फटाफट से उतारते हैं और रूम पे दोस्तों ले जाते हैं, ऊपर वाले रूम पे, और उसके बाद वहाँ पर आप लोग को बताता हूँ कि ऊपर वाले रूम क्या, कौन सा रूम ऊपर वाला, वो सारा कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊँगा। आप लोग दोस्तों वीडियो में बने रहिए। चलिए पहले रूम पीछे नीचे वाला खोलिए रूम, आइए दोस्तों। मोबाइल फ़ोन का बैटरी ना डिस्चार्ज है, हो सकता है आप लोग को अच्छे से ब्लॉग शूट करके दिखा ही नहीं पाए, लेकिन अब उतारते हैं झटझट, बैटरी 1% बच रहा है ना। चलिए जल्दी खोलिए, चार्ज लगाना है गुड़िया जी, चार्ज लगाना है फ़ोन को। और इतना दिन से दोस्तों ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था वो मैं, तो मेरी डी फैमिली प्लांग को लेकर के चले हैं अभी रूम में। और ये दोस्तों आप लोगों को ना एक नया रूम दिख रहा होगा, और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, इसके पीछे ये भी रीज़न था। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि शादी के बाद दोस्तों हम चले गए थे झारखंड, झारखंड में जा करके कई यूट्यूबर से मिले, और उसके बाद रूम खाली कर दिए जहाँ पे लिए थे ना, जहाँ पे पहले रहते थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होते थे, परेशानियाँ भी होते थे, इसीलिए उस रूम को खाली कर दिए। एक महीना के लिए लिए थे क्योंकि हमें लेना जरूरी था, क्योंकि ससुराल में ज़्यादा दिन रह नहीं सकते हैं ना, तो इसी चलते ले लिए। हाँ दो चार दिन के लिए जा सकते, 5 दिन के लिए वो बात की बात है, लेकिन परमानेंटली वहाँ पर रहना सही नहीं रहता, इसलिए एक ठो और रूम ले लिए थे और काम कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, और अभी ये रूम ले लिए इसी जिस फ्लैट में ऑफिस हम अपना लिए हैं नीचे वाला में, उसी पे ये मिल गया, उस समय खाली नहीं था, तो ये ले लिए हैं रूम। और अभी दोस्तों हम लोग को क्या है कि मैं और गुड़िया जी दोनों मिलकर के अच्छे से यूट्यूब पे काम करेंगे, और भी चीज़ों को जो कि हम लोग करेंगे। और ये पलंग दोस्तों ले लिए हैं, तो चिकू विराट अब अच्छे से सो पाएंगे, और कोई लोग मेहमान लोग भी मिलने के लिए आएंगे हमसे तो अच्छे से मिल पाएंगे, जैसे कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे काम करते हैं और वो लोग हमसे मिलना चाहते हैं, तो ज़्यादातर मैं सोच रहा हूँ उन्हीं के लिए, क्योंकि नीचे वाला जो ऑफिस है ना उसमें मतलब सभी फैमिली वाले लोग रहेंगे, हम लोग गुड़िया जी ये लोग रहेंगे,
तो काम करने में बिल्कुल भी नहीं बनेगा, लोग भी आएंगे तो उनको कहाँ बैठाया तो दिक्कत होगा, इसलिए ये रूम ले लिए हैं। हाँ थोड़ा सा भाड़ा हमको ज़्यादा पड़ रहा है ये पता है, लेकिन क्या करें, किसी तरह से काट कट करके सेविंग करके रूम रेंट देंगे, और क्या कर सकते हैं। अगर जिंदगी में दोस्तों बढ़ना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, चैलेंजेस आएंगे, परेशानियाँ भी आएंगे, अभी भी आते हैं, हम लोग अच्छे से डट करके सारे चीज़ों को कर रहे हैं, कुछ सेविंग किए हुए थे उसी में से ये सब जो कि लिए हैं, और बाकी दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले भी ले लेते दोस्तों, लेकिन हमने पहले सोचा था कि जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही बिछा करके सो जा रहे थे, बट पलंग लेना पड़ा क्योंकि भाई ऊपर वाले फ्लैट में रह रहे हैं तो लेना तो जरूरी था, इसीलिए दोस्तों ले लिए, थोड़ा सस्ता ही पड़ा है। बाकी बताइएगा आप लोग, ये पड़ा है हमें टोटल, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा जब सेट वेट कर दूंगा अच्छे से, गेस्ट करके बताइएगा कि कितना में हो सकता है, कितना में हो सकता है। बाकी पलंग को अच्छे से सेट करेंगे, उसमें आप लोगों को अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक बता देंगे। बाकी दोस्तों हम लोगों से कोई गलती मिस्टेक हो जाता था कृपया माफ़ कीजिएगा, तो वो वाला रूम छोड़ दिए पहले जहाँ पे रह रहे थे, अब इसी में मेरा ऑफिस रहेगा, इसी फ्लैट में इसी में मेरा रूम रहेगा, तो कोई मिलने के लिए भी आएंगे तो हमसे मिलेंगे, फिर गुड़िया जी से भी मिलने का मन रहेगा तो मिल सकते हैं, हमारे फैमिली से भी मिल सकते हैं, और यहीं पे दोस्तों चाय और गुड़िया जी तुरंत बना करके दे सकते हैं आप लोगों को, नहीं तो वो दूर खाने पीने का बहुत ज़्यादा समस्या होती, हाँ हमें खाने के लिए वहाँ पर जाना पड़ता था फिर आना पड़ता था, तो ये दिक्कत हो रही थी, इसीलिए इसी फ्लैट में रूम खाली मिला हमें तो हम लोगों ने ले लिया। तो चलिए मेरी फैमिली आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, पता आप लोगों को चल गया हो कि हम लोग उतना दिन से वीडियो क्यों नहीं बना रहे थे, और अभी ये रूम में आ गए हैं, पलंग भी ले लिए, अब दोस्तों कोशिश करेंगे कि हम लोग आप लोगों को कंटिन्यू ब्लॉग दे पाएँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे यूट्यूब फैमिली ना ब्लॉग का वेट करते हैं, तो सबसे पहले उन लोगों से क्षमा चाहूँगा जो हमारे ब्लॉग के लिए वेट करते हैं, हम लोग ब्लॉग नहीं दे पाते, लेकिन अब कोशिश करेंगे कंटिन्यू ब्लॉग दें, ऐसा नहीं कि हम लोग बैठे हुए रहते, कुछ ना कुछ हम लोग काम ही करते रहते हैं। तो चलिए मेरी फैमिली आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते, उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छे लगा होंगे, अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग से दोस्तों कोई गलती मिस्टेक हो जाए तो छोटा भाई समझ करके माफ कीजिए, चलिए बाय बाय।